अभी सरकार जो है ना ऑटो को ट्रक को, दिल्ली सरकार में नियम हो गया कि आप पुराना बस ट्रक नहीं चला सकते, BS4 लेके घुसिएगा फाइन लगा देगा। दिल्ली से खबर है, दिल्ली से आदेश आया CNG। तो अभी सरकार जो है ना ऑटो को ट्रक को ये सब को CNG पे कर रही है। दिल्ली में जाइएगा ना तो दिल्ली में ज्यादातर चीजें CNG पे, किसमें CNG पे। दिल्ली में बस भी CNG पे है, पटना में भी स्टार्ट हो गया है। अभी थोड़ा थोड़ा इकोसिस्टम में टाइम लग रहा है, समझ में आ गया कि नहीं। ग्रीन ग्रीन बसें चल रही लखनऊ कानपुर दिल्ली, ऑटो CNG पे है। या तो आप CNG पे लगा लीजिए या तो फिर हवा हवाई लेके घूमिए, मतलब ई रिक्शा, क्योंकि इनमें ना कार्बन इमिशन बहुत कम होता है, CNG धुआं नहीं देते। दिल्ली सरकार में नियम हो गया कि आप पुराना बस ट्रक नहीं चला सकते, तो वहाँ के लोग क्या किए, पुरनका बसवा खरीद लिए और का इंजनवा फेंक दिए और CNG लगा दिए। और सरकार पूछी ये तो पुराना है, कहा कि ये बताइए आपको नया पुराना से मतलब है कि धुआं देने से मतलब है, कहा तो धुआं देने से, कहा धुआं वाला सिस्टम है उखाड़ के फेंक दिए। और वहाँ बड़का बड़का बस किस में चलता है, CNG पे। ट्रक किस में चलता है, सरकार दिल्ली सरकार कही हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बस प्रॉब्लम ये था कि दिल्ली इतनी छोटे एरिया में इतनी पॉपुलेशन हो गई थी, उसमें तुम धुआं धुआं करके रखेगा दिल्ली को तो बेहतर है कि नहीं, हम कितना बेहतरीन है यहाँ पे। तो CNG में एक ही चीज़ है ना कि जब आप CNG भरवाते हैं थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा क्या होता है टाइम लग जाता है, क्योंकि उसको सावधानी से भरना होता है, लिक्विड नहीं है ना वो गैस है, तो गैस को सावधानी से भरना होता है वहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं गया। और उसमें गैस बड़ा तेज एक्सपेंड करता है गैस को, इसलिए जब आप CNG भरवाने जाइएगा ना तो आपको गाड़ी से बाहर निकलना पड़ेगा तब गड़िया में वो भरेगा यहाँ पे, समझ में आ गया। निकलिए जाइएगा तो ठीक है, भड़क जाता है भरने के टाइम कभी कभी, तो पता चला उसी में रहेंगे ना तो खोजेगा आदमी, अरे किधर गया, नहीं मिल रहा है किधर, और तुरी गई तो लाइट वाला वेपर पे चल गया रे, उदिया जाइएगा आप यहाँ पे। तो CNG में थोड़ा सा प्रॉब्लम बस ही आता है, तो सेफ्टी वाला, अब चीज़ें काफ़ी सेफ हो चुकी है, CNG वाले भी क्या है सेफ है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने के समय थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं। वो भी तो एक गैस सिलेंडर की तरह काम करता है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। आगे बढ़े, पटना में भी अब CNG चीज़ें आ रही हैं, वो धुआं कम देती हैं, उससे प्रदूषण कम होता है। दिल्ली में तो CNG, दिल्ली में क्या है और नहीं तो अगर डीजल और पेट्रोल लेके घूमेंगे तो BS6, क्या चीज़ है BS4 लेके घुसिएगा फाइन लगा देगा दिल्ली में। और दिल्ली में पुलिस की कमी नहीं है, जितना नियम कानून आपको दिल्ली में मिलेगा उतना आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा वहीं बैठले है, सब टोटल का टोटल कहाँ बैठा है, दिल्ली में। फिल्म में देखते हैं दिल्ली से खबर है, दिल्ली से आदेश आया, ये बात दिल्ली तक जाएगी, समझ में आ गया कि नहीं। किसान अपना अगर पुआल, जिसको पराली बोलते हैं, किसान अगर पराली जला दे अनाज में से, अनाज निकालने के बाद जो खाली बचता है गेहूं चावल, उसे पुआल बोलते हैं, दिल्ली के साइड में उसे पराली बोलते हैं, हम लोग उसे पुआल बोलते हैं, ठंडी में बिछाने के काम में आता है, गाय भैंस का पुआरा पुआल, तो उसमें गेहूं या धान आप निकाल लेते हैं, समझ में आ गया कि नहीं, धान निकाल लेते हैं उसमें से। तो गेहूं, किसान का अगर धान निकालने के बाद अगर किसान ने अपनी पराली जला दिया तो ये खबर दिल्ली तक चल जाती, लेकिन किसान का पूरा खेत जल जाएगा ना तो ये खबर जिला तक नहीं जाती, मतलब किसान की सामान की कोई अहमियत नहीं है ना, क्योंकि किसान लोगों ने ना सर पे चढ़ा के रखा है नेता लोगों को, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जहाँ गांव में रहो वहीं रहो, इन्हें कि अरे साहब आप थोड़ा स्वाभिमानी बनिए, नेता क्या करता है, जाएगा 500 रुपया दे देगा, कहिएगा बेटी का ब्याह करना है 500 दे, बेटी के ब्याह में 500 रुपये में क्या होगा ना, आपकी 500 रुपये में गरीबी दूर होगी ना 500 रुपये में आपका कुछ, मतलब 500 से आप नहीं लेंगे तो ऐसा नहीं है कि मर जाएंगे, लेकिन बस वो जनता को नस पकड़ लिया है किसान वगैरह सब। तो CNG अच्छा है बाबू या डीजल पेट्रोल,